हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है, हम लोग जा रहे हैं PS5 का कंट्रोलर लेने। उसके अंदर एक ही कंट्रोलर था मल्टीप्लेयर खेलने के लिए, और एक एक कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ रही है यार। तो अभी मैं मार्केट जाऊंगा और कंट्रोलर कैसा है और कितने में मिला मुझे, आपको पूरा वीडियो बताऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो गाइस भूलो मत लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. देखो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए। देखो कंट्रोलर लेने के लिए प्ले स्टेशन का स्टोर है यहाँ पे। खाली हम लोगों को क्या कर रहा मालूम, खाली अपने को प्ले स्टेशन का जो कंट्रोलर की फोटो है ना, वो ही मिल रही, बाकी कुछ भी नहीं मिल रहा। कंट्रोलर नहीं मिल रहा, अभी दूसरी शॉप पे जाके देखना है कंट्रोलर कहाँ पर है। यहाँ पर आपको सिर्फ कंट्रोलर की फ़ोटो मिलेगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्ले स्टेशन का स्टोर, बट अभी नहीं मिला, अभी दूसरे शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ पर जाके देखेंगे, ठीक है। चलो हाँ, अभी आपको फ़ोन करें ना। ये PS5 का है कंट्रोलर, ये है, दो ही कलर है। इसमें एक गॉड ऑफ वॉर का भी है, देखो। नहीं सर, वो नहीं आ रहा। बहुत ज़बरदस्त है मालूम, देख लो। अच्छा नहीं दिया। और एक मिलिट्री का भी है ना, मिलिट्री टाइप का। दो ही कलर आ रहा है, ये ब्लू और वाइट। जरा ब्लू बताओ ना, एक सेकंड। अगर है तो है वहाँ पे, ऊपर है ब्लू। ये ओरिजिनल रहता है, ओरिजिनल सील पैक रहता है, नहीं मालूम नहीं भाई, मैं पहली बार ले रहा हूँ। क्या इसे पूरा आता PS5 का ही सील लिख। हाँ तो कौन सा लेना है, रेड लेना, वाइट लेना, वाइट लेना। ये क्या अरबी में लिखे हुआ, ये बाहर का पीस दिख रहा है, इंपोर्टेड है, पूरे इंपोर्ट करे हुआ दिख रहा है। हाँ पूरा इंपोर्ट ही आता। इस पर फिर वारंटी नहीं थी कुछ सर? आपको इंडिया के लिए तो भी आपको ओनली टेस्टिंग नहीं देते बोलते ना वो लोग? नहीं, कंसोल के साथ जो भी आ रहा है वही वारंटी। हाँ अपन खेलते करते गिराते करते, इसलिए वारंटी कभी नहीं। फिर ये कितने में है अपने को? 6000 रुपीज़ का पड़ेगा। 6000 तो गाइस, अभी देखो हम ना पिछले 2-3 घंटे से घूम रहे कंट्रोलर के लिए, पूरे तकरीबन 3 घंटे कंप्लीट हो गया, कंट्रोलर नहीं मिला। अभी यहाँ पर आए रिलायंस डिजिटल पे, तो यहाँ पर देखना है, आ जाओ। हाँ तो फ्रेंड्स, फाइनली आ गए हम घर पर। बहुत यार ऐसा हो गया कि पूरा सिटी घूम लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर लेने के लिए, क्योंकि कंट्रोलर थे बहुत सारे लोकल मार्केट में, बट वहाँ पर कुछ स्टोर्स पे कुछ शॉपकीपर्स जो रहते ना बंदे, वो लोग बोले भाई यहाँ से मत परचेस करो, क्योंकि इसका जो कंट्रोलर है वो डुप्लीकेट है, तो कॉपी है, वो ऐसा मत परचेस करो बोले। तो मैं क्या करा मालूम, जितना हो सके जो बड़ी शोरूम है जहाँ पर प्ले स्टेशन बिकता है, वहाँ से मैं परचेस करने के लिए पूरा, मतलब हमारी जो हैदराबाद सिटी है ना, पूरा घूम लिया यार। सुबह से लेके मतलब चार घंटे तो बस रोडों में घूम रहा था कि ओरिजिनल मुझे मिल जाए। तो फाइनली मुझे क्या है, रिलायंस का जो स्टोर है वहाँ पर मिल गया है। तो इसका जो अनबॉक्सिंग है वहीं पर कर लिया, क्योंकि देखो इससे पहले मेरे साथ हो गया था धोखा कि कुछ भी अगर आप प्रोडक्ट खरीदे ना, उसको वहीं पर अनबॉक्स करके देख लो कि है या नहीं है, या टूटा है, या कुछ ब्रेक है, कुछ भी है तो वहीं पर चेक कर लो। तो वहाँ पर तो ना वही बंदे इसको ओपन करके बता दिए क्या क्या है। तो ये रिलायंस पर मुझे मिल गया है, और इस पर क्या हुआ, मतलब मुझे वारंटी जैसा मिल गया है, बिल के साथ साथ मुझे ये मिला है, और साथ साथ ना मैंने एक फीफा गेम परचेस किया है ऑनलाइन अमेजोन से, जो कि मुझे एक्स्ट्रा कंसोल के साथ, ये कंट्रोलर के साथ ज़रूरत थी, क्योंकि जो फीफा गेम है 2 प्लेयर साथ खेलने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन बुक कर लिया। अभी देखो मेरा ये ओरिजिनल जो PS5 का जो ओरिजिनल कंसोल है ना, ये कंट्रोलर है ना, इसको मैं जो भी है जो ख़रीद करके लाया हूँ, मेरे हिसाब से तो ये ओरिजिनल ही है, डुप्लीकेट तो नहीं है। इसको मैं अभी देखूंगा, इन दोनों में कंपैरिजन करूंगा कि ओरिजिनल तो है या नहीं है, ठीक है। ये रही हमारी सीडी जो कि अमेजोन से बुक करा यार, फीफा 2022, ठीक है। तो ये जो है ना हमारी गेम, ये PS5 की है,
तो देखना बराबर आ जाना भाई, क्योंकि ऑनलाइन का बड़ा गड़बड़ रहती, ऑनलाइन में क्या होता मालूम, कुछ भी दूसरा अगर आ गया तो कुछ कर नहीं सकते, बस कंप्लेन करना पड़ता, रेस करना पड़ता, टिकट रेस करना पड़ता, बहुत सारे प्रॉब्लम रहते। अरे क्या ख़तरनाक तरीके से इसको स्टिकरिंग करे भाई लोग, बहुत ख़तरनाक करे। आजा आजा, आ गई आ गई। तो ये रही हमारी सीढ़ी, ये जो सीढ़ी है मुझे मिली है 1100 में, ठीक है। ये रहा इसका बिल, आजा। वाओ, ये रही देखो गाइस, ये रही देखो सीढ़ी हमारी फीफा 22। अच्छी यार, दो प्लेयर खेलने के लिए ये बेस्ट है गेम, तो इसको परचेस किया, इसको मिला है हमको 1100 में ऑनलाइन अमेजोन से, ठीक है। अभी ये तो पैक्ड है, इसको ओपन करता हूँ। खुल जा सिम सिम, खुल गई। ये देखो, अभी बताओ रेहान साहब, फरहान साहब, देखो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। अभी इसको क्या करूँगा मैं, इसको गेम प्ले करूँगा हमारे PS5 में, अब खेल के बताऊँगा। दो भी कंट्रोलर हमारे जो है ना, एक तो ओरिजिनल वाला है, ये भी ओरिजिनल वाला है, लेकिन इसको लगा कर दोनों को प्ले करके बताऊँगा, ठीक है। ज़रा बताओ इसमें कितने सीडी से देखेंगे। इसमें देखो हमको मिला है एक ही सीडी है, देयर इज ओनली वन सीडी, यू कैन सी दिस गाइस। और इसके अंदर जो है ना हमारा कुछ पेपर्स वगैरह दिया गया है, तो ये रहे देखो पेपर्स, दिख रहे हैं पेपर्स वहाँ, देखो आ गया। तो ये कुछ पेपर्स वगैरह है, कैसे खेलना है, क्या खेलना है, अपन लगा कर प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा फीफा 22। हाँ तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा ओरिजिनल कंट्रोलर, जो कि PS5 जो बॉक्स है ना उसके अंदर मिला है। तो अभी जो मैं परचेस करके लाया हूँ, तो वो देखेंगे गाइस, अभी इसके अंदर आपको बताता हूँ दोनों कैसे है, ठीक है। तो अभी इसको क्या करूँगा, ऑलरेडी इसको अनबॉक्स तो कर लिया, आप देखो एक बार इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कैसा है, ठीक है। ये रहा हमारा कंट्रोलर जो अभी परचेस करके लाया हूँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ज़रा बोलो गाइस, आप लोग देखो और बोलो क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा है, दोनों भी मेरे को सेम ही लग रहे हैं। दोनों का अगर वेट देखूँगा तो वेट भी बस सेम है गाइस, तो पक्का ही ओरिजिनल है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, इसको साइड में रखेंगे। अभी ये रहा हमारा कंट्रोलर, अभी एक काम करेंगे, ये जो कंट्रोलर है ये चार्ज है या नहीं है देखता हूँ उसको। और साथ में हमको क्या मिला है, ये बुक है इसकी जो कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। और साथ में इसमें कुछ वायर नहीं दिया इन्हें चार्जिंग के लिए, आइला नो वायर्स नथिंग, चार्जिंग के लिए कुछ भी नहीं दिया यार, बॉक्स एकदम एम्प्टी है, कुछ नहीं है इसमें। तो इसको साइड में रखेंगे। ये रहा हमारा कंट्रोलर और ये रहा हमारा ओरिजिनल कंट्रोलर। अभी इन दोनों को क्या करूँगा मैं, हमारी जो फीफा जो गेम है ना हमारी फीफा फुटबॉल 22 की, तो उसको अभी प्ले करूँगा PS5 में और प्ले करके देखूँगा कि ये चलने में कैसा है, ठीक है गाइस।
side by side. हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग खेल कर यार मज़ा आ गया दोनों कंट्रोलर से खेलने पर। जो हमारा फीफा 22 का जो फुटबॉल गेम है उस पर तो मज़ा आ गया, और कुछ फाइटिंग्स वगैरह की गेम थी तो वो भी खेल कर मज़ा आ गया। बस आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि गाइस देखो, जब भी आप ये परचेस करने गए कंट्रोलर PS5 का, तो ओरिजिनल और अच्छी सी शॉप पे से परचेस करने के लिए कोशिश करो। ये तो मुझे मिला है टोटली 6000 रुपीज़ का, कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिला मुझे। तो अगर कोई डिस्काउंट कर रहा है, बहुत सारा डिस्काउंट कर रहा है, तो सोच लो कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि इसका जो ट्रिगर्स वगैरह है, इसका जो वाइब्रेशन है, इसका जो फील है, वो आपको अगर नहीं मिला डुप्लीकेट में तो भाई पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा PS5 का। तो इसके अंदर का जो फील है ओरिजिनल वाले का, वो डुप्लीकेट में नहीं मिलेगा आपको। तो मेरे हिसाब से अगर आप परचेस करने जाएंगे तो बड़ी शोरूम से ही लो, जहां पर आपको उसका इनवॉइस जो भी बिल कॉपी आपको मिल जाए तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो भूलना मत लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए चलता हूँ, बाय बाय। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हो गया है हमारा जो भी खेलना था गेम्स, तो फीफा 22 और हमारी जो